गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में पाठ 5 संसदीय सरकार न्यायपालिका के अंतर्गत जो है हम लोग जिला न्यायालय के एवं सत्र न्यायालय के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद जो है 233 से 237 तक जो है जिला न्यायालय की व्याख्या की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक जिले का एक जो है न्यायालय जो है प्रत्येक जिले का जो है एक न्यायालय होगा। न्यायिक प्रशासन हेतु प्रत्येक राज्य को जो है जिले में भी विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले में अनेक फौजदारी और दीवानी अदालतें भी होगी। जब वह जो है सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो वह जिला न्यायालय कहलाएगा, परंतु जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई जो है करेगा तो वह जिला सत्र न्यायालय कहलाएगा। हम लोग देखेंगे कि जो है कहीं कहीं जो किसी किसी जिले में जो है केवल जिला न्यायालय होता है, तो जिला न्यायालय का मतलब हुआ वहां केवल जो है वित्त से संबंधित विवादों का ही निपटारा जो होगा, वित्त से संबंधित विवाद ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन यदि जिला और सत्र न्यायालय है तो वहां दोनों वित्त और जो है अपराध के मामलों से संबंधित जो है की सुनवाई होगी जो है। और देखते हैं कि दीवानी अदालतें और जो है फौजदारी अदालतें है क्या। दीवानी अदालतें हैं तो ऐसी अदालतें जिसमें भूमि संपत्ति धन के लेन देन से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है, जबकि फौजदारी अदालतों में जो है जघन्य अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। जो फौजदारी अदालतें में जो है वो जघन्य अपराध का मतलब हुआ जैसे हत्या है, डकैती है, इस संबंधित मामले जो है वो जगह जो क्षमा योग्य न हो ऐसी जो है मामलों की सुनवाई जो है फौजदारी अदालतों में की जाती है। अब हम लोग देखेंगे जो है जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में जो है नियुक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। जो जिला न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। हम लोग चर्चा करेंगे योग्यता के बारे में, जिस प्रकार जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के लिए कुछ योग्यता निर्धारित, उसी प्रकार जिला न्यायालय में भी जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसने जिसने अधिवक्ता अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, अनुभव रखा हो। जिस प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार जिला न्यायालय में भी जो है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यहाँ जो है लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके आधार पर जो है होती है।
जिला न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हम जो है कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जो जिला न्यायाधीश की जो है कि कार्यकाल जो है लगभग जो है वह 60 वर्ष का होता है। जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष का होता है। 60 वर्ष का होता है। जिला न्यायाधीश शक्तियों के साथ साथ उसे प्रशासनिक शक्तियां भी जो है होती है। जो जिला न्यायालय को जो है न्यायिक शक्ति के अलावा प्रशासनिक शक्ति भी होती है। उच्चतम न्यायालय जो है वह जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश की व्यक्तियों के प्रशासन एवं पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का कार्य करता है। उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना
पदस्थापना पदोन्नति पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण रखता है। अन्य मामलों पर नियंत्रण रखता है नियंत्रण रखता है। जो है अन्य मामलों पर नियंत्रण रखता है और नियंत्रण रखने का कार्य करता है। नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जो जिला न्यायालय जो है, जो उच्च न्यायालय जो है, वह जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय दोनों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उच्च न्यायालय जो है दोनों ही न्यायालय पर जिला न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय जिसको हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं, सत्र न्यायालय का मतलब ऐसा न्यायालय जहां अपराध से संबंधित जो है विवादों को जो है सुना जाता है, जबकि जो है जिला न्यायालय के अंतर्गत जो वित्त से संबंधित जो है विवादों को सुने जो है सुना जाता है। ये दोनों न्यायालय जो है दो प्रकार, दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष, जो सत्र न्यायालय में फौजदारी पक्ष से जो है संबंधित जो है विवाद सुने जाते हैं, जहां जघन्य अपराध से संबंधित विवाद को सुने जाते हैं। जब जो है कोई न्यायाधीश जो है दीवानी पक्ष से जो है मामला जब सुनता है तो उसको हम लोग जो है जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब कोई न्यायाधीश दीवानी पद से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है तो वह न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कहलाता है। तो वह न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कहलाता है। जिला न्यायाधीश कहता है, परंतु जब वही न्यायाधीश न्यायाधीश फौजदारी के मामलों
की सुनवाई करता है, मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। सत्र न्यायाधीश कहलाता है। सत्र न्यायाधीश जो है कहलाता है, यानी एक ही न्यायाधीश जब वह दीवानी पक्ष का जवाब जो है सुनवाई करता है तो वह जो है कहलाता है जिला न्यायाधीश कहलाता है। जिला न्यायाधीश और वह जिला न्यायाधीश कहलाता है, सुनवाई करता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। परंतु जब वही न्यायाधीश जो है फौजदारी मामलों की जब सुनवाई करता है तो वह जो है सत्र न्यायाधीश कहलाता है। जो जिला न्यायाधीश है उसके नीचे जो है जिला न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जो दीवानी से संबंधित मामलों की जो है देखरेख करते हैं, जो दीवानी से संबंधित जो मामला है उसके मामले से संबंधित यदि वित्त से संबंधित कोई होता है विवाद होता है तो देखने का काम करता है। उसी प्रकार जो है फौजदारी मामलों में जो है वह जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है जो फौजदारी से संबंधित जो है मामलों की देखरेख करता है, न्यायालय करता। और अधीनस्थ न्यायालय के नीचे भी जो है एक और जो न्यायालय होता है वह मुंसिफ अदालत कहलाता है। मुंसिफ अदालत होता है। वही जो है न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। कुछ राज्यों में जो है वह जो है पंचायत न्यायालय के छोटे छोटे जो है दीवानी या फौजदारी मामलों की भी सुनवाई करते हैं। न्याय पंचायत ग्राम कचहरी अदालती पंचायत तथा पंचायती अदालत जो इसमें प्रमुख है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय के
छोटी दीवानी एवं फौजदारी मामलों की मामलों की सुनवाई करती है। जो सुनवाई करती है न्याय पंचायत न्याय पंचायत ग्राम कचहरी अदालती पंचायत तथा पंचायत अदालत जो है उनमें प्रमुख है। जो ग्राम स्तर पर लोगों को न्याय देने का काम जो है करती ग्राम स्तर पर जो लोगों को न्याय देने का काम करती है। अगले वीडियो में हम लोग जो है लोक अदालत और जनहित याचिका के बारे में चर्चा करेंगे।